बहन। भाभी बहन मुझे गिलास पानी दो, ये तो दम घुटे जा रहा है। ये लो। क्या बात है भाभी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? इतनी घबराहट क्यों है चेहरे पर? इस बार अगर हमने उनकी बात नहीं मानी ना तो वो उसे मार डालेंगे। कौन कौन किसे मार डालेगा? केडी और उसके लोगों ने करण को किडनैप किया है, रैंसम मांग रहे हैं। रैंसम? मैंने ऋषभ को कितना मना किया, वो फिर भी पुलिस के पास चला गया। अगर केडी को पता लगेगा तो वो करण को जरूर मार डालेगा। समझता क्यों नहीं ऋषभ, क्यों नहीं समझता? केडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा बेटा मर गया। मैं अगर करण को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। रकम कितनी मांगी है? कितनी मांगी है रकम? वही फिलहाल 10 लाख डॉलर्स कैश में इंतजार कर दो प्लीज। 10 लाख डॉलर्स वो भी कैश में? इट्स इम्पॉसिबल, कैसे अरेंज होगा भाभी? आई डोंट केयर। मैं जानती हूँ करण तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। प्लीज आई डोंट केयर हाउ यू डू इट। तुम मेरी ज्वेलरी भेज दो, मेरा बंगला, मेरी प्रॉपर्टी सब भेज दो, लेकिन मुझे ये पैसा ना दो प्लीज बहन। साथ में उसने 3 कंपनीज भी मांगी है, प्लीज उसके पेपर्स फ्रॉड कर दो। आई बेग ऑफ यू। इट्स इम्पॉसिबल भाभी, कंपनीज इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफर की जा सकती है? ये नामुमकिन है। अगर तुम्हारे को केडी की हर बात नामुमकिन लगती है ना, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो करण को मार डालेंगे। क्या हमारी मल्होत्रा इंडस्ट्री मेरे बच्चे की जान नहीं बचा सकती है? क्या इतनी कंगाल है कि मेरे बेटे की जान की कीमत नहीं दे सकती? मैं पूरी कोशिश करूंगा, दलाल के साथ मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। यू हैव माय वर्ड, सब ठीक हो जाएगा। करण को कुछ नहीं होगा। आई विल सेव हिम फॉर यू।